सबका वेलकम है अर्बन एक्सप्लोरर के एक नई क्लीन वीडियो में, मतलब जहाँ पे सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी, कोई एक्स्ट्रा बातें नहीं। और आज की वीडियो यार कैंपिंग से रिलेटेड है। अगर आपको केदारनाथ में कैंपिंग करनी है ना, तो उससे रिलेटेड सारी की सारी आपको नॉलेज मिल जाएगी। इससे एक्स्ट्रा कोई वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यार। तो यार स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट से, परमिशन से। परमिशन का ऐसा यार, अगर आपके पास मतलब पर्सनल कैंप वगैरह है ना, तो किसी से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी लगा सकते हो। बस एक कंडीशन है, जो रास्ता है ना, मतलब ट्रैक का रास्ता है, आप उसके बीच में नहीं लगा सकते। और मंदिर के जो सामने वाला जगह है, मतलब प्लेटफॉर्म वगैरह जो भी बोल सकते हो आप, उसमें नहीं लगा सकते। आप बैक साइड लगा सकते हो जहाँ पे भीमशिला है। मैंने भी वहीं पे लगाया था अपना कैंप, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी से कोई पूछने वगैरह की जरूरत नहीं है। अगर आपको जगह है वहाँ पे बहुत सारे कैंप लगे मिलेंगे, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बहुत लोग, ज़्यादातर सभी वहीं लगाते हैं। बाकी यार मैंने अभी पीछे से एक दो वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे कि मना कर रहे हैं कैंपिंग वगैरह के लिए। मेरे हिसाब से तो शायद नहीं है, क्योंकि जब मैंने वहाँ लोकल से बात करी थी, तो उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट के इस बार स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, किसी भी जो आते हैं मतलब दर्शन करने के लिए, उन्हें मना नहीं करा जाएगा। आप कैंप लगा सकते हो, बस रास्ते में ना लगाना, बाकी कहीं भी लगा लो यार, कोई ऐसे मना नहीं करेगा। ये गवर्नमेंट के रूल्स हैं, आपको किसी ने मना नहीं करना। अगर आपके पास खुद का कैंप है, आप आराम से बिंदास होके कैंप लगाओ, मजे करो। दूसरा पॉइंट है यार, मतलब क्या क्या कैरी करना है। अगर आपको मतलब इसके रिगार्डिंग बिल्कुल प्रॉपर लिस्ट चाहिए है, तो बता देना, मैं वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट कर देना। बट मेन बता देता हूँ यार, जो एक्स्ट्रा ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि ऊपर जाके चाय कॉफ़ी वगैरह बनाएंगे, भाई नहीं पॉसिबल है। मैं भी सोच के गया था, सारा सामान लेके गया था, बट एक टाइम भी नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि अगर आप नीचे से दूध लेके जाओगे, ऊपर जाते जाते फट जाएगा। अगर आप ऊपर जाके सोचोगे कि ऊपर जाके दूध ले लेते हैं, ऊपर सिर्फ टेट्रा पैक मिल रहा है, और वो बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। जो नॉर्मल एक लीटर वाला होता है, उसका 200-200 रुपए भी ले रहे हैं, क्योंकि सारा सामान नीचे से कैरी होके जाता है, तो ऑलरेडी बहुत महंगा कर रखा है। तो इससे बढ़िया तो बंदा सोचता है कि यार छोड़, बाहर एक 15 रुपए की चाय वैसे ही पी लूँगा। तो वो सब सामान कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लगेज ही होएगा और कुछ नहीं। बाकी अगर आप, जैसे मैं सिंगल बंदा गया था, तो मेरा एक पूरा ब्यूटेन सिलेंडर भी नहीं लगा था। अगर आप मैक्सिमम जैसे दो बंदे हो, तो एक ब्यूटेन सिलेंडर बहुत है, एक्स्ट्रा कैरी करने की मुझे तो नहीं लगता ज़रूरत है। और अगर चाहो तो यार दो कर लेना, उससे ज़्यादा तो कैरी करने का कोई है ही नहीं, मतलब वो तो फिर एक्स्ट्रा लगेज ही लेके जाने वाली बात होगी। यार एक सेफर साइड के लेना अपने साथ, एक सुई धागा जरूर रख लेना। मतलब मेरे साथ इस ट्रैक में तो नहीं बनी, बट पिछले बार जैसे चूरदार ट्रैक में मेरे साथ बनी थी, बैग की बद्दी टूट गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देता है उस टाइम पे, फिर बैग को कैरी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो एक छोटी सी चीज़ है यार, मतलब रख सकते हो आप, कि अगर बाई चांस ऐसी कुछ इमरजेंसी वगैरह हो भी जाए, तो प्रॉब्लम ना हो आपको। बाकी यार आप एक छोटी सी मतलब रोप वगैरह भी कैरी कर सकते हो, जो एक बंडल आता है रोप का, वो भी ये है कि किसी इमरजेंसी वगैरह में काम आ सकता है। तो ये एक दो चीज़ें हैं मेन, ये आप रख सकते हो। तीसरा पॉइंट है यार कैंपिंग स्पॉट्स। वैसे तो यार पता है क्या, जैसे आप रामबाड़ा से निकलोगे, आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगी जहां आप आराम से कैंपिंग वगैरह कर सकते हो। बट सही बताऊं तो कोशिश करना आप जल्दी जल्दी करके, आप अगर बेस कैंप तक पहुंच सकते हो वहां से, क्योंकि आपको मंदिर भी पास पड़ेगा, नेक्स्ट दिन जैसे सुबह जल्दी उठ के आप दर्शन के लिए निकल सकते हो, वो भी ठीक रहेगा। वरना अगर आप बिल्कुल ही मंदिर तक पहुंच जाओ, तो वहां तो कैंपिंग के लिए सबसे बढ़िया है ही, वहां पे भी बहुत जगह है कैंपिंग करने के लिए। वरना फिर बेस कैंप तो ट्राई करो कि बेस कैंप तो मिनिमम पहुँच ही जाओ। और अगर आपको जैसे ये लग रहा है कि भाई लेट हो गए, नहीं पहुंचा जा रहा, अंधेरा हो जाएगा, वैसे इस ट्रैक में कोई डरने वाली बात नहीं है। मतलब कोई ऐसे सुनसान एरिया तो कहीं पे भी आता ही नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हर जगह क्राउडेड ही इतना रहता है। और अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं यार रात को ट्रैवल नहीं करना, रात को रुकना है, थकावट ज़्यादा हो गई है, तो अगर खुद का कैंप लगाना है, तो आप किसी भी ढाबा वगैरह वाले से बात करके, उनके साइड में जगह होती है, वहाँ पे लगा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा आपको। हाँ, उस जगह पे हो सकता है वो आपसे थोड़ा बहुत 50-100 रुपए चार्ज ले लें, क्योंकि वो उनकी जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी हो गई है। बट जैसे मैंने लगाया था, मैंने एक दिन पहले नीचे भी कैंप किया था, तो उन्होंने तो मुझसे कोई चार्ज वगैरह नहीं लिया था, उन्होंने बता दिया था कि भाई ये जगह है, आप यहाँ पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कोई कोई हो जाता है जो यार मतलब चार्ज वगैरह ले लेता है, तो थोड़ा बहुत अगर चार्ज वगैरह करता है, तो वो आप देख सकते हो अपने हिसाब से, बाकी तो वो आप देख ही लेना यार। बाकी यार कैंप्स का बता देता हूँ, जैसे मतलब अगर आप घर से अपना खुद का पर्सनल कैंप नहीं लेके चल रहे, तो भी काफ़ी ऑप्शंस हैं आपके पास।
जैसे कि या तो आप डोमेंट्री वगैरह में रुक सकते हो, बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार मुझे तो कैंपिंग ही करनी है, तो नीचे जैसे सोनप्रयाग से आप रेंट पे ले सकते हो सारी चीज़ें। और अगर यार आपको जैसे ये लगता है कि सोनप्रयाग से नीचे से पूरा कैरी करके लेके जाना मुश्किल हो जाएगा, तो आप ऊपर भी मतलब कैंप वगैरह रेंट पे ले सकते हो, मिल जाते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। और मतलब ऐसे भी हैं जो उन्होंने प्रॉपर जो कैंप्स होते हैं वो लगा के ही रख रखे होते हैं, मतलब 2% 3%, तो आप चाहो तो वो भी रेंट पे ले सकते हो। बहुत ऑप्शन है ऊपर, ऑप्शंस काफ़ी सारे हैं यार। और वैसे भी लोग यार कैंप्स मतलब कैंप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऊपर जैसे होटल्स लिमिटेड है तो उनका रेंट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। कैंप थोड़ा सा ये है बजट में है, और अगर आपके पास खुद का ही है तो सबसे बेस्ट ही है, फिर तो यार कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जहाँ मर्जी रुको आप, अपने मर्जी से जहाँ आपको लगे कि यहाँ से व्यू अच्छा है वहाँ पर आप कैंप लगा के रुक सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, अगर जैसे आप पर्सनल सामान लेके आ रहे हो तो यार मैं सजेस्ट करूँगा स्लीपिंग बैग अच्छी क्वालिटी का लेके आना, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी जाता है। जब मैंने कैंपिंग करी थी तो उस टाइम पे -8 डिग्री टेम्परेचर था। अगर जैसे आप लोकल लेके आओगे और बाई चांस सर्दी ज़्यादा होगी तो आपको रात को यार प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आप स्लीपिंग बैग अच्छी क्वालिटी का लेके आना कि रात को ठंड वगैरह ना लगे, क्योंकि अगर नींद अच्छे से नहीं आई तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप अगले दिन भी इस पूरा दिन थकावट रहेगी और सारा ट्रिप ख़राब हो जाएगा। ये यार कुछ मतलब मेन बातें थी जो कैंपिंग के रिलेटेड थी, और अगर कुछ रह गया हो वीडियो में तो आप कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई ज़रूर कर दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।